हेलो, वेलकम बैक टू डिज़ाइन इंस्टीट्यूट। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं आज आपके लिए मैप लेकर आ गया हूँ जिसका साइज़ है आपका 20 फीट बाय 20 फीट, इसकी फ्रंट है और जिसकी डेप्थ है वो आपकी 45 फीट है। इनकी रिक्वायरमेंट है 2 BHK सेट, तो 2 बेडरूम हमने बना दिए हैं। इसको स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर का मैप है, यानी कि पहली मंजिल का। तो सबसे पहले हम स्टेयरकेस से ऊपर आ जाते हैं। जैसे आप स्टेयरकेस से ऊपर आते हैं, आप लॉबी में आ जाते हैं। लॉबी का साइज़ आपको यहाँ पर दिया गया है 15 फीट 8.5 इंच बाय 10 फीट 10 इंच की लॉबी आपके लिए बनाई गई है। इसी के साथ आप इधर चलते हैं तो आपको देखने के लिए मिल जाता है बाथ के लिए डोर। बाथ में एंट्री करते हैं, बाथ का साइज़ है आपका 6 फीट 2 इंच बाय 4 फीट की बाथ बनाई गई है। इसके वेंटिलेशन के लिए यहाँ से अरेंजमेंट कर दिया गया है, फुल वेंटिलेशन यहाँ से इसका हो जाएगा। इसके साथ आपको कुछ एरिया बालकनी के लिए भी देखने के लिए मिलता है। इस डोर से आप बालकनी में चले जाते हैं। बालकनी के लास्ट में आपको देखने के लिए मिल जाती है WC, जिसका साइज़ हमने आपको दिया हुआ है 3 फीट 1 इंच बाय 3.5 फीट की WC बनाई हुई है और वेंटिलेशन के लिए भी अरेंजमेंट कर दिया गया है यहाँ से। और इसी के साथ आपको को लॉबी के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर विंडो भी देखने के लिए मिल जाती है। लॉबी का फुल वेंटिलेशन इस विंडो से हो जाएगा। उसके बाद आप इधर आते हैं तो आपको देखने के लिए मिलता है एक डोर, जिससे कि आप एंट्री करते हैं तो आप ड्राइंग रूम में आ जाते हैं। ड्राइंग रूम का साइज़ है आपका 14.5 फीट बाय 9 फीट का ये ड्राइंग रूम बनाया गया है। इसके वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पर विंडो भी देखने के लिए मिल जाती है 5 फीट की, यहाँ से फुल वेंटिलेशन हो जाएगा। इसी के साथ आपको इसमें अलमीरा भी देखने के लिए मिल जाती है। आप यहाँ पर सामान वगैरह रखना चाहें तो कुछ रख सकते हैं। एक और डोर आपको ड्राइंग रूम में देखने के लिए मिल जाता है, आप इससे बालकनी में आ जाते हैं, जो कि हमने आपको 3 फीट की बालकनी दी हुई है। ये 3 फीट का आपका प्रोजेक्शन है, यानी कि छज्जा, इस पर आपकी बालकनी है। उसके बाद आप इधर आते हैं तो आपको देखने के लिए मिलता है पूजा स्पेस, यानी कि आपका जो पूजा रूम है उसका साइज़ है आपका 4.5 फीट 5 इंच बाय 9.5 फीट का ये पूजा रूम बनाया गया है। और इसके वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पर विंडो भी देखने के लिए मिल जाती है। पूजा रूम का फुल वेंटिलेशन इस विंडो से हो जाएगा। अब चलते हैं अपनी दूसरी साइड। तो लॉबी के इस साइड आते हैं तो आपको ये ओपन किचन देखने के लिए मिल जाता है, जिसका साइज़ है आपका 6 फीट 10 इंच बाय 8 फीट 9 इंच का ये किचन बनाया गया है। इसी के साथ आपको इसमें एल साइज की स्लैब देखने के लिए मिल जाती है। आप इधर चलते हैं तो आपको देखने के लिए मिल जाता है ये आपका बेडरूम। ये आपका फर्स्ट बेडरूम है। इस बेडरूम में आप इस डोर से अंदर एंट्री करते हैं। इस बेडरूम का साइज़ है आपका 12 फीट 4.5 इंच बाय 5 फीट का ये बेडरूम, सॉरी 12 फीट 4.5 इंच बाय 10 फीट का ये बेडरूम बनाया गया है। और इसके वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पर विंडो भी दी गई है, फुल वेंटिलेशन यहाँ से बेडरूम का हो जाएगा। इसी के साथ आपको यहाँ पर 2 फीट 8.5 इंच बाय की अलमीरा भी देखने के लिए मिल जाती है। आप चलते हैं इधर की तरफ तो ये आपका जो बेडरूम है, ये आपका मास्टर बेडरूम है। इसी के साथ आपको यहाँ से एक डोर दिया गया है, जो कि आपका कट ड्रेसिंग है। लेकिन बाद में अगर आप ड्रेसिंग चाहे तो रख सकते हैं, लेकिन हमने इसको बाद में ओपन एरिया बना दिया था, क्योंकि ये बना दिया गया है क्योंकि इस बेडरूम का और उस बेडरूम का, दोनों बेडरूम का अच्छे से वेंटिलेशन यहाँ से हो जाएगा। आप चाहें तो ड्रेस एरिया भी रख सकते हैं, लेकिन आप इसे ओपन एरिया रखें तो आपका बेटर रहेगा। इसी के साथ आपको देखने के लिए मिलती है यहाँ पर टॉयलेट, जिसका साइज़ है आपका 8 फीट 9 इंच बाय 5 फीट 7 इंच की टॉयलेट बनाई गई है और वेंटिलेशन के लिए पीछे से अरेंजमेंट कर दिया गया है। और आप चाहें तो वेंटिलेशन के लिए यहाँ से भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ आप इधर आते हैं, ये आपका सेकंड बेडरूम है। इस डोर से आप एंट्री करते हैं अपने सेकंड बेडरूम में। 11 फीट 10 इंच बाय 10 फीट 3 इंच का ये बेडरूम बनाया गया है। इसी के साथ आपको विंडो भी देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ से फुल वेंटिलेशन हो जाएगा। और बेडरूम में आपको हमने अलमीरा दी है, तो उसके लिए आपको 2 फीट की अलमीरा भी यहाँ पर दे दी है। और आप सामान वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं, 2 फीट के अलमीरा में आपका काम हो जाएगा। और वेंटिलेशन के लिए इस बेडरूम का पीछे से भी अरेंजमेंट, यानी साइड से भी अरेंजमेंट किया गया है। तो मैंने आपको इस मैप में 20x45 के मैप में सभी कुछ बता दिया है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट इससे मैच होती है तो आप इससे कुछ आइडियाज़ ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप डिज़ाइन इंस्टीट्यूट से कॉन्टैक्ट कीजिएगा, कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका मैप बनाया जाता है और 24 से 48 घंटों में आपको सेंड कर दिया जाता है। आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हमें कॉल भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हम डेली अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, 5-10 वीडियो डेली अपलोड होती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।